तो वेलगो, क्या हालचाल। मैं हूँ आपका दोस्त एमटी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमटी गेम स्टार जी। और आज की जो वीडियो है, इस वाले वीडियो के अंदर भी आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि WCC 3 का न्यू अपडेट आप सभी लोगों को कब तक देखने को मिलेगा, रिलीज डेट बताऊंगा, उसी के साथ ही कुछ न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूँ और WCC 3 के न्यू अपडेट से रिलेटेड फुल डिटेल बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। आप सभी लोग अगर WCC 3 का न्यू अपडेट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखें। और हाँ भाई लोगों को बता दूं कि चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, एक और चीज़ कि आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो को देख लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो जो मेरे ऐसे हैं जिसके अंदर लाइक बहुत कम है, तो भाई लाइक जरूर से कर देना। बाकी चलिए वीडियो को शुरू कर देते। जैसा कि भाई लोगों आप सभी लोगों को पता है कि WCC 3 ने ऑफिशियली बता दिया था नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया ने लाइव स्ट्रीम पे कि अक्टूबर मंथ में हम अपडेट लाने वाले हैं। बट यहाँ पर जो है कंपनी ने अभी तक, यानी कि अक्टूबर मंथ आ चुका है और कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देख सकते हो कि भाई लोगों ये जो फोटो है वो एंट्री का, यानी कि जो प्लेयर वगैरह आते रहते हैं, तो ये देखिए किस तरीके से फ्लैग वगैरह दिखा रहे, यानी कि सभी कंट्री के फ्लैग दिखाएंगे, यहाँ पर सिर्फ इंडिया का बताया गया है। बट इसी तरीके से आपको न्यू एंट्री देखने को मिलने वाली है और ये शायद वर्ल्ड कप में हो सकती है या फिर आप सभी लोगों को ये गेम के अंदर ही सभी गेम प्ले में देखने को मिल जाए। बट ये एक न्यू एंट्री आने वाला है और ग्राफिक के अंदर गेम तो काम कर रही है, लेकिन उसी के साथ ही आप सभी लोगों को जो इसके अंदर न्यू एनिमेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि कट सीन, अब अच्छे अच्छे कट सीन हो गए, कैसे कैसे कट सीन हो गए, फिल्डिंग कैच, सारे कट सीन देखने को मिलने वाले। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर चेंज होगी, जैसे कि ग्राफिक मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। और भाई लोगों को बता दूँ पिच रिपोर्ट का चांस है, बट अब देखते हैं कब पिच रिपोर्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं। अभी भाई लोगों को बता दूँ कि अब गेम से रिलेटेड आप सभी लोगों को सबसे पहले कुछ वीडियो वगैरह देखने को मिलने वाला है, ट्रेलर या फिर टीजर, प्रोमो वगैरह कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अब आप सभी लोगों को सवाल रहेगा कि भाई कब तक देखने को मिलेगा, तो भाई लोगों को इसी 5-6-7 दिन में देखने को मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली अपडेट देखने को मिलेगा। तो जहां तक मुझे न्यूज़ मिली है कि एक प्रोमो आने वाला है, उसके अंदर आपको दिखाई दिया जाएगा कि गेम के अंदर क्या कुछ चेंज होने वाला है, तो बहुत जल्दी प्रोमो देखने को मिलने वाला है। और बात रही रिलीज डेट की, तो भाई लोगों को प्रोमो आने के बाद आप सभी लोगों को शायद 7-8 दिन के बाद अपडेट देखने को मिल जाए या फिर तुरंत, यानी कि जब प्रोमो आए तभी आपको देखने को मिल जाए। अब अक्टूबर मंथ में ही आएगा और एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5-6-7 दिनों में जो है प्रोमो आ जाएगा। और प्रोमो आ जाएगा इसका मतलब है कि गेम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है न्यू अपडेट के लिए। आमतौर पे आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि पहले जो है यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिलता है गेम का अपडेट, उसके बाद वीडियो वगैरह देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर गेम का अपडेट तैयार हो जा रहा है तभी आप सभी लोग वीडियो वगैरह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर पहले प्रोमो आएगा तो ऑलरेडी अपडेट तैयार हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप सभी लोगों को शायद जब प्रोमो देखने को मिले तभी गेम का अपडेट आ जाए। बाकी ये वाली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, जो भी चीज़ें थी, रिलीज डेट 5-6-7 दिनों में शायद आप सभी लोग प्रोमो देखने को मिलेगा, उसके बाद अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और हाँ, बता दो कि चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल वाले आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।